करेंगे तो ठाकुर जी महाराज कितने सुंदर लग रहे होंगे, जैसे उस दिन आपने पिंक में देखा था ठाकुर जी को, जो मेरे बाकी मेरे भक्त परिवार का बंगला था, और आज जब इस पुष्प बंगले में बिहारी जी को देखेंगे, इस पोशाक में देखेंगे, तो आप इमेजिन कर सकते हो अल्टीमेटली बेस्ट। तो वो सिर्फ आप लोगों को दर्शन कराते हैं। जय हो। ऐसे देखिए, जय हो। ये देख सकते हैं कि इसमें कितनी सुंदर यहाँ पर ये कलियाँ हैं ठाकुर जी महाराज की, और ये देखिए कितने सुंदर तरीके से इसको सजाया गया है। और इसके साथ यहाँ भी देखिए, ये जो आप दर्शन कर रहे हो ये हमारे ठाकुर जी का लहंगा है, और इसके साथ जब आप दर्शन कर रहे हो इस पोशाक के, इतनी सुंदर पोशाक के, और फिर इसके साथ आप इसके दर्शन और करिए। जय हो। देखिए कितनी सुंदर यह बनाया गया है, डिज़ाइन का जाली बनाई है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, एक एक चुन के इसमें फूल लगाए। और इसके साथ साथ आज इसकी मैचिंग का जो श्रृंगार है वो भी आप लोग दर्शन कर सकते हैं कि कितनी सुंदर बिहारी जी महाराज की। जय हो। ये देखिए ये श्रृंगार भी पूरा इससे मैच करता हुआ, तो बिहारी जी की कुंडल भी है। ये देखिए ये ठाकुर जी के कुंडल, इनके दर्शन भी करिए। तो ये कंप्लीट जो श्रृंगार है, अभी एक और कुंडल है, तो ये कंप्लीट जो श्रृंगार है इसके साथ आप देख सकते हैं ठाकुर जी महाराज की ये पोशाक के दर्शन, बहुत ही सुंदर लग रही है। जय हो, जय हो। तो यहाँ प्रणाम कर लीजिए, इतनी सुंदर पोशाक में, इतनी बेहतरीन पोशाक में आज ठाकुर जी महाराज ने जब ये धारण कर ली, तो ठाकुर जी महाराज का जो दर्शन है, जो श्रृंगार है, जो उनका स्वरूप है, वो कितना ज़बरदस्त लग रहा होगा, कितना प्यारा लग रहा होगा, कितना ही सुंदर लग रहा होगा वो देखने लायक। ये बनाइए मूर्ति को। इसको ऐसे ही उतार लो आप, एक काम करो। ये देखिए एक और दर्शन कीजिए, श्याम स्वरूप मेरे बांके बिहारी। ये देखिए कितनी सुंदर मोर पंखी बिल्कुल मैचिंग की है। तो भैया ये तो ठाकुर जी की कृपा है, और ये तो ठाकुर जी की मोर पंखी मैं लेके जाने वाला हूँ, ये वाली मोर पंखी आज मेरे साथ जाएगी। बिहारी जी का जो आशीर्वाद है इस मोर पंखी में, आशीर्वाद रूपी मैं लेकर जाऊँगा। तो भैया ये तो ठाकुर जी की मस्तिष्क पे धारण थी, पूरी मैचिंग की पोशाक के साथ बहुत सुंदर लग रही है। और भी श्रृंगार जैसे जैसे आता जा रहा है हम आपको उसके दर्शन कराते जाएंगे। तो यहाँ ये देख सकते हैं ठाकुर जी के ये श्रृंगार के, ये मुकुट है ठाकुर जी का, बिहारी जी का, और ये टिपारे, ये बेहतरीन चुटिया, ये है इनकी चुटीला ठाकुर जी महाराज के, हमारे बिहारी जी का चुटीला देखिए। अरे ये देखिए, ये ठाकुर जी का ये जो श्रृंगार आज देखने को मिल रहा है, ये छुट्टी है, चमक रहा है लगी दूर से। और बस ठाकुर जी महाराज गर्भगृह में जाने वाले हैं। ये तो हमने ले लिया, ये तो हमने ले लिया, देखिए अलग ही चमक रहा है। जय हो, जय हो, जय हो। उसको तो जितना प्रणाम करें उतना ही कम है, उतना ही आशीर्वाद मिलता रहेगा। जब जब ये माथे पर लगता रहेगा ठाकुर जी के मस्तिष्क पर धारण हुआ, तो उसको तो फ्रेम कराया जाएगा, ये ऐसा ठाकुर जी का श्रृंगार मिला है। जय हो। तो बस कुछ ही पलों का इंतज़ार है, जैसे ही बिहारी जी महाराज हमारे गर्भगृह में जाएंगे हम उनकी चादर पर प्रणाम करेंगे। जब तक यहाँ ठाकुर जी के फूल बंगले के दर्शन करते हैं। श्री है। मेरे भी हैं पूरा मंदिर। कुंज बिहारी। और देखिए ये आज स्वर्ण श्रृंगार भी ठाकुर जी ने धारण किया, इसके भी दर्शन कर सकते हैं। ये चूड़ी है ठाकुर जी की स्वर्णिम, जो ठाकुर जी ने ये श्रृंगार धारण किया था। जय हो, लीजिए। और अभी तो जो बिहारी जी का जो दोनों तरफ बिहारी जी के पटका लगा था,
और जो पटके का पैटर्न है, पटके का डिज़ाइन है, पटके पर जो कढ़ाई हो रखी है, एक एक कलियाँ चुन चुन के उस पर लगाई गई हैं, किस तरीके से उसको डिज़ाइन किया गया है, वो देखना बहुत ज़रूरी है। वो ही तो जो मुझे पर्सनली लगा वो उनका लहंगा और पटका, ये दो एक ऐसे लगे हैं ठाकुर जी के जो बिल्कुल, एक होता है प्लेन हम लोग रोज़ देखते हैं जो ब्लैक कलर की जो फूल श्रृंगार की पोशाक आती है उस पर हम देखते हैं, लेकिन जो आज है वो बिल्कुल कटिंग करके है, जैसा कि उस दिन भी हमने देखा था पिंक वाले ने भी कटिंग करके था तो बड़ा सुंदर लग रहा था, ऐसे आज भी लग रहा है और उसको भी हमने फ्रेम करने के लिए भेजा है और वो जैसे ही हमें फ्रेम करके मिलेगा हम पूरे किस स्वरूप से ठाकुर जी ने वो धारण किया था कोशिश करेंगे उसको उसी स्वरूप में हम लोग मढ़वा सकें, फ्रेम करा सकें और उसी स्वरूप में हम उसके दर्शन आप लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ। यही तो हमारा मकसद है कि बिहारी जी ने जो मेरे बांकीवाड़ी भक्त परिवार में जो पुष्प बंगला बना था और उसका टीज़र भी हमें मिलने वाला है, वो हम आप लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँगे, कैसे पूजन हुआ, कैसे डेकोरेशन थी, कैसा था सब कुछ, क्योंकि लाइव सेशन से ज़्यादा उसमें अच्छा नज़र आएगा। तो वो पूरे मेरे बांकीवाड़ी भक्त परिवार, क्योंकि उनकी तरफ से सेवा समर्पित थी, इसलिए हम इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब तीनों प्लेटफॉर्म्स पर उसको अपलोड करेंगे, तो वो ज़रूर देखिएगा, वो अलग ही एक आनंद आ जाएगा। मेरे बाकी बिहारी लाल तू इतना ना करियो, श्रृंगार नजर तो ही लग जाएगी, मेरे बाकी नजर तो ही लग जाएगी। देखिए बिहारी जी का कंठा भी आ गया है, तो ये कंठे के दर्शन करते हैं, आज डबल कंठा था ठाकुर जी का, इस तरीके से ये इसकी कटिंग देख सकते हैं और ये बिल्कुल एकदम चंद्रिका की शेप में है। जय हो, प्रणाम कर लीजिए भैया, ये बिहारी जी ने गले पर धारण किया था ठाकुर जी ने। और फिर से वही कहूँगा कि बांके बिहारी जी से जो आपकी प्रीत है, बांके बिहारी जी से जो लगाव है, आप अगर राधा रानी को मानते हैं, आप अगर कृष्ण को मानते हैं, तो इन दोनों से जो लगाव है ना आपका, वो बांके बिहारी जी से जोड़ता है, क्योंकि बांके बिहारी जी एक ऐसे ठाकुर जी हैं जो राधा और कृष्ण के दोनों मिले जुले रूप हैं। तो इसीलिए अगर राधा और कृष्ण दो महाशक्ति हैं, तो बांके बिहारी जी हमारी महान शक्ति, क्योंकि राधा और कृष्ण दोनों का जो प्रेम का जो एक प्रतीक है, जो प्रेम का एक श्री विग्रह है, जो प्रेम के एक ठाकुर हैं, वो बांके बिहारी जी हैं, श्री बांके बिहारी जी महाराज हमारे। क्योंकि राधा और कृष्ण ने जितनी भी लीलाएं की, उन्होंने अलग अलग एक सारे दुनिया को दिखाने के लिए एक अलग अलग स्वरूप में थी, लेकिन वो हमेशा से एक ही थे। राधा और कृष्ण जो हैं वो एक ही हैं, लेकिन हम लोगों के लिए उन्होंने जो महाराज किया, उन्होंने जो भी चीज़ें की, वो सब अलग अलग किया, लेकिन वो आखिर में है एक है। और अब वो यहाँ पे इधर बिहारी जी आई हैं, अब वो चीज़ आ चुकी है कि उन जो पटके की हम बात कर रहे थे, तो ये देखिए ये ठाकुर जी का पटका किस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया, कटिंग की गई है और किस तरीके से इसमें कलियाँ हैं। तो ये देखिए पोशाक बनाना आसान भी नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब इस तरीके की पोशाक बनती है तो उतना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है पोशाक को बनाना। लेकिन जब यही पोशाक, कहते हैं ना कि हर मुश्किल चीज़ ही बहुत सुंदर लगने लगती है और बड़ी इजीली कुछ नहीं होता, जैसे पुष्प बंगला हमने जब बनवाया तो बहुत मेहनत करी, पूरी दोपहर, पूरा दिन, पूरा सुबह अर्ली मॉर्निंग से हम स्टार्ट कर रहे, तो रात्रि तक नॉन स्टॉप हमारे पास काम थे, नॉन स्टॉप वर्क था, और ऐसा लगता था कि हमारे पास कुछ पल हैं, कुछ मोमेंट्स हैं, कुछ लम्हे हैं, कुछ आवर्स हैं, कुछ मिनट्स हैं, और उसमें हमको सब कुछ करना है, सब कुछ करना है, दी बेस्ट, बेस्ट से बेस्ट हम क्या कर सकते हैं, वो हमने कोशिश की करने की, पिरोने की, और बिहारी जी की कृपा रही, क्योंकि अगर हम मेहनत करते हैं लाइफ में किसी भी चीज़ में, तो ठाकुर जी महाराज हमेशा हमारे साथ रहते हैं। तो यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं इनके, इन कलियों के भी अलग ही चमक रही थी, जब यहाँ पर ये चमक रही, तो सोचिए जब ठाकुर जी महाराज ने ये धारण की होंगी तो कितने सुंदर उनके दर्शन होंगे, कितनी सुंदर उनके श्रृंगार के दर्शन। तो ऐसे ही बिहारी जी की असीम अनुकंपा आप सभी पर बनी रहे, यही हम चाहते हैं कि आप भी ठाकुर जी को ऐसी सुंदर सुंदर जो सेवाएं हैं समर्पित कीजिए। देखिए ठाकुर जी को जब हम ऐसी सुंदर सुंदर सेवाएं समर्पित करते हैं, तो ठाकुर जी भी मंद मंद मुस्काते हैं, ठाकुर जी को भी ये हम महसूस कराते हैं कि प्रभु आपसे हम कितना प्रेम करते हैं, कितना हम आपसे लाड़ लड़ाते हैं, कितना आपसे हमारा अटैचमेंट है, हमारा लगाव है, और यही सारी चीज़ें हमें और भी नज़दीक लेकर जाती हैं ठाकुर जी के। तो राधा और कृष्ण की हम बात कर रहे थे कि राधा और कृष्ण का मिले जुले रूप है बांके बिहारी जी, कुंज बिहारी। तो कितनी पावर है, कितनी ताकत है ठाकुर जी में कि सर्वोपरि हैं राधे, हम कहते हैं कि जो हमारी राधा रानी है वो सर्वेश्वर है। सर्वेश्वर क्यों कहते हैं हम उनको, सर्वेश्वरी कहते हैं,
राधा रानी को, वो इसीलिए कहते हैं कि वो सर्वेश्वरी हैं, वो सबसे ऊपर हैं, वो राधा रानी तो कृष्ण से भी ऊपर है। बिल्कुल, राधा रानी तो कृष्ण से भी ऊपर है, क्योंकि जब भी हम राधा रानी का नाम लेते हैं तो श्री राधा कहते हैं, राधा भी कह सकते हैं, लेकिन जब भी हम कृष्ण का नाम लेंगे, अगर हमको किसी को संबोधित करना है, अगर हमको कंप्लीट नेम लेना है, तो हम श्री कृष्ण कहेंगे। जैसे हम संबोधित करते हैं जय श्री कृष्णा, तो ऐसे ही यहाँ पर हम आ चुके हैं। ये देख सकते हैं कि जब यहाँ पर ऑर्किड है और ब्लू कलर की पोशाक थी, तो कितने सुंदर दर्शन थे यहाँ पर। और इस तरीके से ये मोरों को भी सजाया गया यहाँ पर, और आज जो इनके पंख हैं वो भी ऑर्किड के यहाँ ब्लू कलर में है। और यहाँ पर ठाकुर जी के सिंहासन पर हम आ चुके हैं, यहीं पर विराजमान थे मेरे बांके बिहारी। जय हो। तो यहाँ प्रणाम कर लीजिए जल्दी से। ओमयस्तु यतो शुद्धिगणेन प्रोदजस्रम संपूज्यते क्रतु गते प्रणते क्रियाभिः तं सर्वकर्म फलदं निज सेवकानं श्रीमद् बिहारी जन्म शरणं प्रपद्ये। देखिए पूजा के चावल भी हमको मिले हैं और तुलसी भी है। तो बिहारी जी के यहाँ प्रणाम कीजिए और अपने लिए ढेर सारा आशीर्वाद मांगिए, और प्रभु से कहिए कि प्रभु हमें भी ऐसे ही सेवा का अवसर दीजिए, और दर्शनार्थी नहीं सेवक बनकर आइए, क्योंकि हर सेवक दर्शनार्थी होता है, लेकिन हर दर्शनार्थी सेवक नहीं होता है। और आप लोग ठाकुर जी से सिर्फ मिलने नहीं आते हैं, उनके साथ लाड़ लड़ाने आते हैं, उनसे प्रेम करने आते हैं, इसलिए सेवक बनकर जरूर आइए। तो जय बिहारी जी की, श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी, श्री हरदास, राधे राधे, शेयर डुअल, श्री कुंज बिहारी, श्री हरदास, राधे राधे। और राधे नाम से याद आया कि 108 बार श्री राधा नाम आप लोगों के हृदय पर लाने वाला है नितिन सांवरिया गोस्वामी। यकीन मानिए आपके हृदय पर यहाँ पर श्री राधा नाम 108 बार आएगा। कैसे आएगा बहुत जल्दी पता चलेगा, निर्जला एकादशी पर। श्री कुंज बिहारी, श्री हरदास, राधे राधे।